तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असल में ऐतिहासिक चौरी चौरा के शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। ये शताब्दी समारोह अगले साल 4 फरवरी तक चलने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। आनंदीबेन पटेल हालांकि वर्चुअली शामिल हुई थी। शताब्दी समारोह की शुरुआत के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित करते हुए देश के लिए शहीद वीर जवानों को याद किया है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के दौरान पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे, और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। तो वही चौरी चौरा शताब्दी समारोह को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट सुबह के वक्त किया गया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये श्रद्धेय अटल जी की लाइनें थी। राष्ट्र आराधना का ये भाव जागृत करने की साधना है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आज पूरा उत्तर प्रदेश मना रहा है, लेकिन इससे जुड़ी क्या अहम बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो ग्राफिक्स के जरिए समझिए, देखिए भी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा आपको बताएं जनाक्रोश में शामिल 172 भारतीयों को सेशन कोर्ट की तरफ से, तो ये वो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये ऐसा जनाक्रोश था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। भारत ही नहीं, ब्रिटेन तक में ये मुकदमा चला था 14 फरवरी 1922 को। ये चिंगारी भड़की,
जिसको अंग्रेजों ने दबाने की पुरजोर कोशिश करी थी। इसके आखिरी में 19 जो भारतीय थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि कई ऐसे थे जिन्हें अंतकाल तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी, यानी कि काला पानी की सजा थी। तो वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अब चौरी चौरा जनाक्रोश के शहीदों की वीर गाथाएं किताबों में पढ़ सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। सीएम ने चौरी चौरा जनाक्रोश को शताब्दी समारोह के तौर पर मनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसी क्रम में पहले चरण में गोरखपुर मंडल के 400 से ज्यादा राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को चौरी चौरा स्थल का भ्रमण भी कराया जाएगा, ताकि वो जो शहीद हैं उनको प्रत्यक्ष तौर पर उनके साक्ष्यों को देख सकें, समझ सकें। तो ये आपको कुछ अहम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि आज का ये जो दिवस था ये महत्वपूर्ण भी रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में चौरी चौरा जनाक्रोश शताब्दी मनाई गई है। महाराजगंज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चित्रकूट की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोरखपुर ये वो जगह जहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे थे, यहां पर वर्चुअली पीएम भी शामिल हुए थे, डाक टिकट भी आज जारी हुआ है। अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम क्षेत्र जहां पर आरजी महोत्सव मनाया गया है। तो रवि भट्ट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप इतिहासकार हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। रवि जी सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, रवि जी सबसे पहले मैं ये जो तमाम लोग युवा हैं, आज की पीढ़ी है, इनको आप पहले समझाइए कि इस घटना का क्या कुछ महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है। देखिए मैं ये घटना की जो इतिहास के रह गई थी अब तक, जिसका महत्व इतना ज्यादा है, चौरी चौरा गोरखपुर से देवरिया के हाईवे पे स्टेट हाईवे पे मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। उस छोटे से कस्बे का महत्व ये था कि वहां की एक घटना से 1920 के अंदर जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा था उसको खत्म कर दिया था महात्मा गांधी ने खुद ही, क्योंकि वहां पर महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस असहयोग आंदोलन वो अपने आप में मानव जात के अंदर एक नया प्रयोग था। वो प्रयोग ये था कि कोई भी जो दमनकारी शासक है, जो दमनकारी शासन व्यवस्था है, उसका विरोध मानव इतिहास में पहली बार अहिंसा से करने का जो एक अध्याय जुड़ा था, जो कि महात्मा गांधी की अपनी विशेषता थी। इसलिए जब 1920 में उन्होंने शुरू करा और उसको करने के बाद में ये आज भी दुनिया के तमाम सामाजिक वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि इससे बेहतर थी मानव जात के लिए कोई नहीं हुई थी। इसको जब इन्होंने शुरू करा तो करने के बाद में, जब आपको सबको मालूम है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, 2 जनवरी के अंदर जब भगवान अहीर जो था उन्होंने एक शराब की दुकान वहां पर जो मार्केट के बीच में थी उस कस्बे की, जिसको भोपा मार्केट के बाजार कहते हैं वो, और जो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए थे उसके विरोध में 2 तारीख को इन लोगों ने प्रदर्शन किया। जब इसका प्रदर्शन उस समय किया तो पुलिस दमनकारी थी ब्रिटिश, उन्होंने काफी लोगों को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद में 4 तारीख को 4 फरवरी 1922 को एक 2000 से 2500 लोगों के बीच में इन लोगों ने इसके विरोध में जो लोग बंद कर दिए थे उनको छुड़ाने के लिए शांतिपूर्वक एक मार्च कर रहे थे, महात्मा गांधी की जिसका जैसा सिद्धांत था। लेकिन उस समय एक अजीब सी दुर्घटना हुई कि जब ये लोग चौकी के पास से गुजर रहे थे तो वहां पर एक सिपाही ने, एक जो वॉलेंटियर था उस प्रोसेशन के अंदर, उसकी गांधी टोपी छीन कर उसको पैर के नीचे कुचल दिया। अब ये शांति लड़ाई थी, इस लड़ाई में उनको जितने भी शांति मार्च हुए थे उनको बहुत ठेस लगी और उनके अंदर आक्रोश आ गया। जब उनके अंदर आक्रोश आ गया और
उसको सिपाही लोगों ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया और उसके बाद में उन्होंने हवा में पहले गोली चलाई, जब उसका भी असर नहीं हुआ तो उन्होंने लोगों पे गोली चला दी, जिससे कि बहुत से लोग घायल हुए और तीन लोग मर गए, जो कि सबको मिले थे, कोई नई बात नहीं है। जिससे जब तीन लोग मर गए तो यहाँ पर ये जो एक देखिए मानव का एक इंस्टिंक्ट होता है किसी भी प्राणी मात्र का कि अगर उसके ऊपर कोई हिंसा होगी तो प्रतिहिंसा करेगा, लेकिन गांधी जी का ये था कि चूंकि मनुष्य एक ज्यादा समझदार प्राणी है उसको हिंसा का रवि जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि कई इतिहासकार और कई जो जानकार लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर ये जो जनाक्रोश सामने आया, सभी के सामने आया, अगर ये ना होता तो आज़ादी हमें हो सकता है कि बहुत पहले मिल जाती। इस बात में कितनी सत्यता है और इस बात के प्रमाण क्या क्या है? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। चलता रहता तो पहले सत्ता मिल जाती। आप कहना चाहते हैं, देखिए ये एक केवल अनुमान का विषय है और मेरे अपने विचार से इसको इसके बारे में ये कह पाना कि अगर वो चल रहा होता तो पहले मिलता या नहीं चल रहा चला इसलिए देर में मिला है, इसको इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट बच्चे हैं। समाज के अंदर 2+2=4 कभी नहीं होता है, बहुत ही वेरिएशन है तो ये कहना। लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि अगर ये आंदोलन ये नहीं होता चोरी चोरा तो शायद पहले मिल गया होता, इसकी संभावना कुछ ज्यादा है। अहम तथ्य आपने तमाम लोगों के सामने रखे क्योंकि दिन अहम है तो ये तथ्य लोगों को पता होने चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश थी। तो बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।